पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा करते हैं। होती है शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपको जुड़े दिलचस्प कहानियां और तथ्यों से रूबरू करा सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों होती है शिवलिंग की पूजा। भारतीय सभ्यता के प्राचीन अभिलेखों एवं स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि आदिकाल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। एक बार शिव को अपना होश नहीं रहा और वो निर्वस्त्र होकर भटकने लगे। इससे ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि उनका लिंग कटकर गिर जाएगा। इसके बाद शिव का लिंग कटकर पाताल में चला गया। उससे निकलने वाली ज्योति से संसार में तबाही मचने लगी। इसके बाद सभी देवतागण देवी पार्वती के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर लिया और संसार को प्रलय से बचा लिया। इसके बाद से शिवलिंग के नीचे पार्वती का भाग विराजमान रहने लगा। ये नियम बनाया गया कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा होगी। इस प्रकार की कथा कई पुराणों में है। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वो तथ्य इस कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञात हुआ। इसी समय से शिव के पर ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले हैं। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ये प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वो मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था। इसीलिए वो पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर तीन मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्रथम देवता होने के कारण ही इन्हें ही सृष्टिकर्ता मान लिया गया और लिंग रूप में इनकी पूजा शुरू हो गई। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से होती है शिवलिंग की पूजा। इस विषय पे आपकी क्या मान्यता है, आप कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी माइथोलॉजी से जुड़े कहानियों और तथ्यों से रूबरू रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहें।